वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए आर रोज लाइफस्टाइल। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं सीटीएम के बारे में बताऊंगी और ग्लोइंग स्किन के लिए सीटीएम कितना ज़रूरी है। तो हमारी स्किन में बहुत से डस्ट वगैरह हो जाते हैं, तो उन्हें रिमूव करने के लिए सीटीएम करना ज़रूरी है। तो सीटीएम के लिए हमें क्लिनजिंग टोनर और मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है। तो क्लिनजिंग के लिए आप कोई भी अपना फेवरेट फेस वॉश ले सकते हैं या क्लिनजिंग मिल्क ले सकते हैं। एंड टोनर तो आपको लेना ही है, और एंड मॉइस्चराइज़र। तो चलिए मैं आप गाइस, ये देखिए, ये ABH का एरोमा ब्यूटी हर्ब्स का क्लिनजिंग मिल्क है, एलोवेरा का ये क्लिनजिंग मिल्क है। तो ये हमारी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है, ग्लोइंग बनाता है, और हमारे स्किन के सेल्स को, डट्स को रिमूव करता है और जेंटली नरिशिंग बनाता है। और ये मेकअप रिमूवर में भी हेल्प करता है, मेकअप रिमूव में भी इसे यूज़ किया जा सकता है। तो गाइस, ये फर्स्ट स्टेप है। आप क्लिनजिंग मिल्क के बारे में तो जान ही गए हैं। एंड हमें अपने फेस को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, स्किन को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप चाहे फेस वॉश से क्लीन करिए, चाहिए क्लिनजिंग मिल्क से आप क्लीन करिए। एंड जो सेकंड स्टेप है वो है ये टोनर। आप कोई भी अपना फेवरेट टोनर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये क्यूकुम्बर टोनर यूज़ करती हूँ, क्यूकुम्बर ग्लो टोनर है ये फ्रेंड्स। टोनर आप ऐसे स्प्रे करके भी यूज़ कर सकते हैं, एंड कॉटन पे आप थोड़ा सा लेकर टैप टैप करके यूज़ कर सकते हैं। एंड टोनर हमारी स्किन के पोर्ट्स को क्लीन करता है एंड टाइटन स्किन देता है, एंड पीएच बैलेंस को टाइटन बनाता है। एंड टोनर हमारे स्किन के एक्सेस ऑयल को, डैंड्रफ को रिमूव करता है, और हमारे पीएच बैलेंस को मेंटेन बनाता है, और पोर्स को टाइटन करता है, और ग्लोइंग और रेडिएंट स्किन देता है। और जो थर्ड स्टेप है वो है ये लैक्मे पीच मिल्क का मॉइस्चराइज़र। ये बहुत ही लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है एंड 24 आवर्स लॉक हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। एंड स्किन को मॉइस्चराइज करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्किन को मॉइस्चराइज़ नहीं करेंगे तो आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो गाइस, चलिए मैं क्लिनजिंग करना स्टार्ट करती हूँ। और मैं ले रही हूँ ये क्लिनजिंग मिल्क, और क्लिनजिंग मिल्क ने हाथों पर थोड़ा सा लेकर मैं अपने पूरे फेस पर मसाज करूँगी क्लिनजिंग मिल्क की। ये जेंटली मसाज करना है इससे। एंड कॉटन या वाइप्स की हेल्प से इसे रिमूव कर देना है, और अपने पूरे फेस से मैं इसे रिमूव कर दूंगी। आप कुछ भी ले सकते हैं, या कॉटन ले सकते हैं, या वाइप्स ले सकते हैं। मैं यहाँ पर वाइप्स ले रही हूँ। एंड जो नेक्स्ट है वो ये टोनर है, क्यूकुम्बर टोनर है ये। तो क्लिनजिंग के बाद टोनिंग करना है पूरे फेस की। मैं ये स्प्रे अपने पूरे फेस पर स्प्रे कर रही हूँ टोनर से। एंड ये देखिए, स्प्रे करने से ना स्किन बहुत रिफ्रेश फील होती है, हाइड्रेट हो जाती है हमारी स्किन। लास्ट ये मॉइस्चराइज़र, लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र है। एंड क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, लास्ट में मॉइस्चराइजिंग इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड इसे करने से
ये स्किन हमारी बहुत बेबी सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाती है और बहुत ही लाइट वेट की ये क्रीम है, देखिए। और एक बहुत ही अच्छा ग्लो आता है बाद लास्ट में इसे करने से। जब हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसे मॉर्निंग और नाइट में ज़रूर अप्लाई करिए। और मेकअप करने से पहले CTM करने से मेकअप का लुक बहुत ही ज़्यादा निखर के आता है। और हमारा मेकअप वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट, को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।